स्पार्क 24x7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक सुनहरा मौका है। राजस्थान हाईकोर्ट में आई है बम्पर वैकेंसी, यानी अगर आप राजस्थान पटवारी या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस भी ठीक उन्हीं से मैच करता हुआ है और आपकी जॉब लगने के चांस भी दोगुने हो जाएंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ जॉब की मेन मोन इन्फॉर्मेशन, आपको बता देता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ। नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम है राजस्थान हाईकोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। कल रख ऑनलाइन फॉर्म आया है। और पोस्ट डेट, जो पहले पोस्ट पॉइंट हुई थी वो डेट ये थी, लेकिन अब करंट अप्लाई की डेट ये हो गई है 1/10/2020, यानी आप 1/10/2020 से अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी 1760 है। अब मैं आपको इसकी टोटल डिटेल फॉर्म फीस के बारे में बता देता हूँ। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस इसकी फॉर जनरल ओबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस लगेगी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बिलोंग टू राजस्थान, यानी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यानी राजस्थान के निवासी हैं, उनके लिए फ़ीस है 350 रुपये। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो पहले डेट थी वो 30/3/2020 थी, लेकिन ये चेंज होके अब हो गई है 1/10/2020, यानी आप 1/10/2020 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसकी लास्ट डेट 1/11/2020 है। पहले ये 27/4/2020 थी, लेकिन इसे चेंज करके 1/11/2020, यानी 1/11/2020 से आपको 1/11/2020 या 1/11/2020 से पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। और इसकी लास्ट डेट फॉर पेमेंट, पेमेंट की लास्ट डेट 2/11/2020, यानी आप 2/11 आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, लेकिन आपने अभी तक फॉर्म की फ़ीस नहीं पेमेंट किया है, फीस का पेमेंट नहीं किया है, तो आप 2/11/2020 से कर सकते हैं, लेकिन ये पहले 20/4/2020 थी। ये डेट कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हो गई थी और अब नई डेट आई है, और ये आपके लिए सुनहरा मौका है। एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ, एज लिमिट जो काउंट होगी 1/1/2021 से काउंट होगी। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है, यानी 40 साल का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। और इस 40 साल के ऊपर अगर आप ओबीसी एसटी एससी या किसी रिजर्वेशन वाली कास्ट में आते हो तो आपको एज रिजर्वेशन भी एज पर रूल दिया गया है। इसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपके पास कोई भी डिग्री, अगर आपके पास कॉमर्स बीए या किसी कोई भी डिग्री है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास RACIT है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मैं और इसकी वैकेंसी की डिटेल बता देता हूँ। पोस्ट नेम जूनियर असिस्टेंट की 360 पोस्ट हैं, कलर ग्रेड सेकंड की 1125 पोस्ट हैं, और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की 268 पोस्ट हैं। यह पोस्ट भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट दे रखी है, आप इस मौके से चूक मत जाना। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको सिलेबस बहुत आसान मिल रहा है, यानी हिंदी इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये तीन सिलेबस आपको पढ़ने होंगे, और ये तीनों सिलेबस लगभग पटवारी में आ जाते हैं और राजस्थान पुलिस में भी लगभग मैच करता है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 300 मार्क्स का पेपर होगा, यानी 150 क्वेश्चन होंगे और टाइम होगा 120 मिनट। यहाँ पे हिंदी के 100 मार्क्स होंगे, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और जनरल नॉलेज के भी 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आएंगे। और टोटल अगर आप एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हो तो 120 मिनिमम आपको लेने होंगे, और आप अदर कास्ट से हो, ओबीसी यानी अदर कास्ट से जनरल या ओबीसी के हो तो 135 नंबर आपको मिनिमम लेने होंगे। ये 120 मिनट का पेपर है, यानी 2 घंटे का पेपर है। सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूँ, ये आपको जो ही दे रखा है, जो ने मैं आने को बता दिया, 50 मल्टीप्लाई चॉइस के क्वेश्चन होंगे, वेरिंग टू मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ओएमआर सीट पे पेपर होगा। और आपको बता दें इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी नहीं। आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, नो नेगेटिव मार्क। आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, ये संधि है, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपर्यार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, शब्द वाक्य शुद्धि, वाच्य वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द मुहावरे लोकोक्तियाँ, और इंग्लिश में भी इम्प्रूव्स टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, यूज फॉर आर्टिकल, एंटोनम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, प्रीफिक्स हैं,
कन्फ्यूजन वर्ड है। जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्स का होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ कल्चर इन राजस्थान यानी राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये पेपर क्लियर होने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा सेकेंड में। मैं आपको टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताता हूँ। टाइपिंग ड्राइवर टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्पीड और एफिशेंसी आपकी जो टेस्ट होगी यानी आप किस स्पीड से टाइप कर रहे हो और आपकी कितनी करेक्शन है यानी आप कितनी कम मिस्टेक कर रहे हो टाइपिंग में। आपको बता देता हूँ आपकी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में बता रखा है और 5-5 मिनट की टाइपिंग होगी और 25-25 आपको मार्क्स मिलेंगे। एसटी एससी और पीएच कैंडिडेट को 20 नंबर लेने होंगे और अदर जो भी कैंडिडेट ओबीसी और अदर जनरल जो भी बचे हैं उसको 22.5 लेने होंगे। और पेपर सेकेंड एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी आप ऊपर वाले में तो स्पीड देखी जाएगी, नीचे वाले में आपकी मिस्टेक्स देखी जाएगी यानी आप कितनी कम मिस्टेक्स करते हो। ये 10 मिनट का होगा, आपको इसमें बिल्कुल सही टाइप करना है। ये 10 मिनट का होगा, 50 नंबरों का। एसटी एससी और पीएच कैंडिडेट को 20 नंबर लेने हैं और अदर कैंडिडेट जो ओबीसी के और जनरल के बच्चे हैं उनको 22.5 लेने होंगे। गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि यानी ये कृतिदेव में होगी, हिंदी की जो टाइप है वो कृतिदेव 010 में होगी। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, कृतिदेव फोन से करोगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें फॉर हिंदी, और क्लेवरी फॉर इंग्लिश। और क्लेवरी जो फॉन्ट इंग्लिश का होता है, क्लेवरी फॉन्ट इंग्लिश का होता है, इसमें टाइप करनी होगी और आपको मिनिमम स्पीड 8000 कीवर्ड होंगे। 8000 कीवर्ड लगभग 22 वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है यानी आपकी टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी में होगी। एफिशिएंसी टेस्ट में भी टेकन वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर, एफिशिएंसी टेस्ट वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर होगा, ये आप देख सकते हो। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट जॉब या किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। थैंक यू दोस्तों।